जी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं ताशी नेगी आज आप लोगों के बीच में MCN पेज पर लाइव हूँ। तो कृपया आप मुझे बताएं, अगर मेरी आवाज़ आप में से किसी को साफ सुनाई दे रही है तो मैसेज बॉक्स में लिख करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जी कृष्ण कुमारी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है, तो कृपया बताएं कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं ताशी नेगी जिला किन्नौर के कल्पा से आज इस MCN पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा साहित्यिक है, साहित्यिक विषय पर किन्नौर के इतिहास को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मेरा टॉपिक है कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किन्नौर को किन्नर देश क्यों कहा। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ें, मैं सबसे पहले अपने विषय की ओर जाने से पहले उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जो कोरोना से युद्ध, कोरोना से जंग लड़ते हुए मौत रूपी वीर्ण संसार में कहीं खो गए, आज हमारे बीच में नहीं है। उनको समर्पित एक गज़ल मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, तो ये मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मुख्तलिफ सवालों का एक इम्तिहान है ज़िंदगी, मुख्तलिफ सवालों का एक इम्तिहान है ज़िंदगी, टूटते दीवारों का एक मकान है ज़िंदगी, टूटते दीवारों का एक मकान है ज़िंदगी। अरमानों के पत्थरों से दीवार बुनता हर कोई, अरमानों के पत्थरों से दीवार बुनता हर कोई, छोड़ गए अपने तो बस वीरान है ज़िंदगी, छोड़ गए अपने तो वीरान है ज़िंदगी। हर किसी की आँखों में अश्क का समंदर है, हर किसी की आँखों में अश्क का समंदर है, रेत पर चंद यादों की निशान है ज़िंदगी, रेत पर चंद यादों की निशान है ज़िंदगी। हर हंसी के पीछे गम का मैखाना है, हर हंसी के पीछे गम का मैखाना है, मौत के दहलीज पर पड़ा सामान है ज़िंदगी। आखिर की ये दो लाइनें, रुक गई सांसें जो एक दिन सदा के लिए, रुक गई सांसें जो एक दिन सदा के लिए, आपके और मेरे घर का मेहमान है ज़िंदगी, आपके और मेरे घर का मेहमान है ज़िंदगी। तो चलिए अब विषय की ओर बढ़ते हैं कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किन्नौर को किन्नर देश क्यों कहा। आप सभी जानते हैं कि 8 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मे राहुल सांस्कृत्यायन जी हिंदी साहित्य जगत के, भारतीय हिंदी साहित्य जगत के एक बहुत रिनोन्ड विद्वान रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी रहे हैं। घुमक्कड़ स्वभाव रहा है उनका, और संस्कृति से, इतिहास से, कहानी से, उपन्यास से, जितने भी साहित्य आज उन्होंने हमें दिया है, खासकर हिंदी साहित्य जगत को, वो पूरी तरह से हम उनके ऋणी हैं। वो बहुत महान विद्वान थे, बहुत महान विद्वान थे, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी सन 1948 को, मई के दिनों में जब गर्मियां जो है वो शुरू होती है, मई के दिनों में सन 1948 को वो किन्नौर भ्रमण पर आए थे। और पहले ऐसे साहित्यकार हैं, पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने किन्नौर को किन्नर देश कहा। उससे पहले जितने भी अंग्रेज़ विद्वान आए, अंग्रेज़ यात्री आए, उन इन्होंने आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि उन्होंने किन्नौर को या तो कनौर कहा या फिर कुनावर कहा, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन जैसे ही वो किन्नौर आते हैं तो वो अपनी इस किताब में, किन्नर देश में वो लिखते हैं कि देखिए, पहले ही पेज में उन्होंने कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि किन्नर या किम पुरुष देव योनि है,
उनके देश की यात्रा का अर्थ है देवलोक में जाना। और ये कोई विषय बहुत छोटा नहीं है। जैसे ही हम इस चीज़ को सोचते हैं कि राहुल जी ने किन्नौर के लिए किन्नर क्यों कहा, किन्नर देश क्यों कहा, क्या ये कोई मिथ्या बात थी, क्या ये कोई ऐसी बात थी जो उन्होंने कल्पना के आधार पर कही, या शास्त्रों में जो किन्नर नाम जो हम बार बार पढ़ते हैं उसके आधार पर कही। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वे बात मिथ्या कही। कहीं ना कहीं उनके ये शब्द किन्नर देश में इस बात को उजागर करता है कि किन्नौर की जो सभ्यता है, किन्नौर का जो इतिहास है वो पौराणिक है, वो बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको आज हम शायद जानते भी नहीं हैं। वे बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे रेत पर सुई दूना। किन्नौर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आप में आप अच्छे से जानते हैं कि किन्नौर का इतिहास, क्रमवार इतिहास की हम बात करते हैं तो बहुत उस एक अस्पष्ट रूप में मिलता है। बहुत से साहित्य सृजित हुए हैं, बहुत से शोध कार्य हुए हैं, लेकिन जब हम किन्नौर के इतिहास की बात करते हैं तो किन्नौर का इतिहास बिल्कुल वैसे है जैसे रेत में सुई ढूंढना। तो कहीं ना कहीं जो राहुल जी का ये जो वक्तव्य है, वे जो कथन है कि किन्नर देश में या किन्नर देश, वो हमें ये सोचने पर विवश करता है कि क्या किन्नौर की जो सभ्यता है, किन्नौर का जो साहित्य है, किन्नौर का जो इतिहास है वो आदिकाल से आरंभ होता है। तो मैंने इस पर शोध कार्य करना आरंभ किया और बहुत जल्द तो नहीं कहूँगा लेकिन शायद 2 या 3 साल के बाद किन्नौर पर जो एक किन्नौर के इतिहास पर जो एक संपूर्ण जो शोध कार्य है वो मैं आप लोगों के बीच में लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज जो मैं इस विषय को लेकर के, किन्नौर के इतिहास को लेकर के और किन्नर को लेकर के, किन्नर शब्द को लेकर के जो बातें आपसे साझा करने जा रहा हूँ, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और ऐसे शोधार्थियों के लिए जो किन्नौर के ऊपर काम कर रहे हैं, किन्नौर के ऊपर लेखनी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को और आगे ले जाएं, मैं किन्नौर के इतिहास के कुछ 2-3 जो पन्ने हैं, 2-3 जो बातें हैं वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जब प्राचीन मानव या आदि मानव का पता चलता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रमाण है, उसके लिए हमारे पास कुछ अवशेष हैं जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, और उनमें से एक अवशेष हैं, वो हैं पाषाण शैलचित्र, यानी कि रॉक पेंटिंग्स। आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम यूरोप, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, जापान, चीन, तुर्की, सीरिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और ऐसे कई सारे देशों में जो है पाषाण जो शैलचित्र है वो प्राप्त हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भी कि भारत जो है उन देशों में शुमार है जहाँ पर पाषाण शैलचित्र जो है वो बड़ी संख्या में मिले हैं। पाषाण ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ भी ये मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं, और भारत जो है उन देशों में शुमार है, यानी कि पूरे विश्व में लगभग 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शैलचित्र मिले हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ, ये जो शैलचित्र है, ये शैलचित्र क्या जाहिर करते हैं? इतिहासविद की माने तो इतिहासविद तो ये कहते हैं कि ये जो शैलचित्र मिले हैं भारत में और पूरे विश्व में, इनका जो आयु है वो 50,000 ईसा पूर्व तक भी है, यानी कि जो आदि मानव का समय है। उसके बाद भारत में जो है जो सर्वाधिक जो शैलचित्र मिले वो मिले अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगभग 60 से भी अधिक शैलचित्र जो है वो यहाँ मिले। अब यहीं से मेरा जो संशय जो है वो थोड़ा सा गया इस ओर कि कहीं ना कहीं जो है किन्नौर भी प्राचीन सभ्यता का यदि केंद्र बिंदु रहा है या केंद्र रहा है तो इसका प्रमाण हमारे पास क्या है। और देखिए, सौभाग्य से सन 2006 की बात है, रोगी जो गांव है कल्पा से 2-4 किलोमीटर आगे, रोगी गांव से नीचे मुझे एक पाषाण शैल चित्र मिला। मैं आपको वो तस्वीर जो है उसका मैं दिखाता हूँ। ये वो, आप अगर शायद इसमें बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा लेकिन देखिए, ये वो पाषाण शैलचित्र का फोटो है।
उस समय क्योंकि हमारे पास उतने डिजिटलाइज्ड कैमरा नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था, तो जो भी हमारे पास मोबाइल उस समय अवेलेबल था हमने उसी से ही वो फोटो लिए। और वो पाषाण जो शैल चित्र है, जो पेंटिंग है, वो बिल्कुल ऐसे स्थान पर है, अगर आप अभी उस जगह को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ वो पेंटिंग बनाया कैसे है या वो बना कैसे, क्योंकि अभी आप रैली में खड़े होकर के सीधे रोगी गांव की तरफ देखेंगे ऊपर को, तो उसी एरिया में वो मिला है। और आज तो शायद वो जो, क्योंकि सड़क का मार्ग हुआ है, तो वो जो पाषाण शैल चित्र है अब तो ध्वस्त हो गया होगा। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अखबारों में इसे दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क किया कि भई आप आइए, इसका कार्बन डेटिंग से एज निकालिए, क्योंकि ऐसा पाषाण शैल चित्र का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नंबर वन ये। लेकिन मैं विफल रहा, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। पर उसका जो जो भी अध्ययन मैंने किया, तो मैंने पाया कि ये जो पाषाण शैल चित्र के जो बनावट है, जो शैली है, ये बिल्कुल उन शैलियों से मिलता जुलता है जो भारत और पूरी दुनिया के दूसरे पाषाण शैल चित्र है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो नवपाषाण और मध्य पाषाण युगीन ज़्यादातर माने गए हैं। कुछ इतिहासविद तो इसको, मैंने पहले भी कहा कि 50,000 साल ईसा पूर्व बताते हैं। तो अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि किन्नौर का जो इतिहास है, किन्नौर की जो सभ्यता है, वो नव या मध्य पाषाण काल से शुरू होता है। ये वो समय है जब हमारे मानव जो है, मानव कृषि कर्म जो है करना वो सीख चुका था। और किन्नौर में आकर के इस तरह का शैलचित्र मिलने का अर्थ यही है कि उस समय यहाँ भी मानव गतिविधियाँ अवश्य हुई होंगी। मानव जो है हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की घाटियों में कहीं ना कहीं रहता आया होगा। तो ये एकमात्र शैलचित्र अभी तक किन्नौर में मिला है, लेकिन दुख होता है, दुर्भाग्य से शायद हम इसे नहीं बचा पाए हैं। और ऐसे ही शैलचित्र आप थोड़ा सा और नीचे टूवर्ड्स रामपुर या शिमला की तरफ आते हैं तो दो जगह में और हैं। ये एक है आपका जो अभी जो नीरथ गांव है उसके ठीक सामने, सतलुज के उस पार कुल्लू जिला में आनस करके एक गांव आता है, इस गांव में भी वो इस तरह का पेंटिंग मौजूद है। उसी के साथ लगते पड़ोसी का एक पड़ोसी गांव है, एक उस गांव का नाम है निरमंड, और निरमंड के साथ में भी इस तरह का शैल चित्र जो है वो पाया गया है। उसे यहाँ के लोग सतीर और ढांक कुछ ऐसा करके बोलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब ऐसा लगता है कि राहुल जी गलत नहीं थे, उन्होंने इसको मिथ्या किन्नर देश कहा है ऐसा नहीं है, ये तो तय है। जब हमारे पास ये शैलचित्र इतना प्राचीन नवपाषाण या मध्य पाषाण युगीन का शैलचित्र जो है वो मिला है किन्नौर में, तो इस बात का हमें, हम किन्नौर वासियों को गर्व होना चाहिए कि किन्नौर का जो इतिहास है, किन्नौर की जो सभ्यता है, वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन समय से आरंभ होता है। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी जो प्राचीन पुरातन मानव जातियां हैं वो हिमालय की कंदराओं में, किन्नौर के क्षेत्रों में जरूर रहे होंगे। दूसरा जो, दूसरा एक इतिहास का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे शोध में सामने निकल के आया है वो ये, आप में से बहुत सारे लोग ऋग्वेद को जानते हैं, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं भी होगा लेकिन ऋग्वेद का नाम तो सुना ही होगा। ऋग्वेद में एक असुर राज जिसे दस्यु कहते थे, उसका एक जिक्र आता है, उसका नाम है शंबर। तो शंबर और दिवोदास का युद्ध को लेकर के तो पूरे ऋग्वेद में जो है बहुत से ऋचाएँ भरी पड़ी हैं, उनको जो है धोखे से मारा इंद्र ने, ये सब चीज़ें उसमें लिखित हैं। आप जान के हैरान होंगे जो अभी तक जो शोध मैं कर रहा हूँ या जो सामने तथ्य निकल के आए हैं, तो किन्नौर का जो संबंध है वो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और गैर आर्यों से भी है, इस तरह के जो प्रमाण है वो सामने आ रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अपने आने वाली पुस्तक में उसको पूरे प्रमाण के साथ आपके सामने रखूँ। तो ये दो जो बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक तो ये कि किन्नौर में पाषाण कालीन शैल चित्र का मिलना बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात ये कि ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता का किन्नौर के एरिए में भी संपर्क होना या वहाँ भी इसकी गतिविधियों का होने का प्रमाण मिलना अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि किन्नौर का जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन है, पुरातन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आधुनिक समय में, अभी के समय में किन्नर जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वो कुछ दूसरे समुदाय जिन्हें हम अर्धनारी कह सकते हैं उनके लिए भी किया जाता रहा है।
ये जो इस तरह के शब्द को हमारे किन्नर शब्द का जो ये चलन है, इसके चलन को जो अन्य समुदाय के लिए किया जाने का जो चलन है वो प्राचीन नहीं है। अगर पुराना होता या फिर ये मान के चलिए अगर 40 साल पहले से ये प्रचलन होता तो राहुल सांस्कृत्यान जी अपनी किताब में लिखते इस बात को। उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि किन्नर जो है किन्नौर के लोगों को ही राहुल जी मानते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर ये जो अन्य समुदाय अर्ध नारियों के लिए जो किन्नर शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्यों? ये शायद मुझे लगता है कि ये जो नवीन साहित्यिक जो एक धारा चली, प्रवाह चला, उसमें इसको ढाल दिया गया। और आगे मैं इस बात को आपको प्रमाणित करके रहूँगा कि किन्नर जो है वो अर्ध नारियों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द नहीं है। ये मैं आपको प्रमाणित आगे चर्चा में जो है इसको प्रमाणित करूँगा। तो किन्नर कौन थे? देखिए किन्नर कौन थे इसको लेकर के आप में से बहुत से लोगों ने कई किताबों में पढ़ा भी है, राहुल जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है, डॉक्टर बंशीराम शर्मा ने लिखा है, और भी बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने लिखा है, और कुछ किन्नौर के जो लेखक हैं उन्होंने भी लिखा है, गैर किन्नौर के जो लेखक हैं उन्होंने भी लिखा है। तो किन्नरों को लेकर के जो भी बातें जो है कही गई हैं साहित्यों में, पौराणिक साहित्यों में, मैं उन पर थोड़ा सा जो मोटी मोटी बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ हद तक प्रमाणित सा लगता है, मैं उस पर आपको प्रकाश डालूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो ऋग्वेद में कहीं पे भी किन्नरों का जिक्र नहीं आता है, कहीं पे भी ऋग्वेद में किन्नरों का जिक्र नहीं है। किन्नरों का जिक्र आता है महाकाव्यों में, रामायण में, महाभारत में और पुराणों में। अब पुराणों में जब हम किन्नरों के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए पुराणों में सबसे जो इम्पोर्टेंट 18 पुराणों में इतिहास की नज़र से जिस पुराण को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है आप जानते हैं वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में ये बहुत विस्तार से बताया गया है कि ऋषि कश्यप जो मरीचि के पुत्र थे, ऋषि कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया था। और दक्ष जो है साहित्य पौराणिक साहित्यों के हिसाब से जो है मनु वंश के आखिरी प्रजापति हुए हैं। तो उनकी 13 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया और उन 13 कन्याओं को ही जो असुर है, सुर है, जो आप देवी हैं, देवता है, नाग है, ऐसे कई जातियों के जो है पिता उनको मानते हैं कश्यप को। और उन्हीं कन्याओं में कश्यप की एक पत्नी में एक का नाम था अरिष्टा। और मत्स्य पुराण कहता है कि अरिष्टा के ही बच्चे किन्नर हुए। ठीक है, तो अरिष्टा के ही बच्चे किन्नर हुए। तो इससे एक बात तो ये साबित हो जाता है कि किन्नर जो है बहुत पौराणिक जाति का नाम है, बहुत पौराणिक काल में ये मान के चलिए कि पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के आसपास भी जो है इसको जो है ये नाम दिया गया था मत्स्य पुराण के अनुसार। ऐसे ही हरिवंश पुराण में भी मिलता है, ऐसे ही कुछ और पुराणों में भी किन्नरों के बारे में मिलता है, यहाँ उन सब का जिक्र करना पॉसिबल नहीं होगा। तो रामायण में देखिए, महाभारत और रामायण में किन्नरों को लेकर के बहुत अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग जो जानकारी है वो मिलता है। रामायण में किष्किंधा कांड जो है जिसमें भगवान राम सीता की खोज में किष्किंधा नरेश सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, और जब सुग्रीव सीता की खोज के लिए सभी वानरों को आदेश देते हैं तो उत्तर की दिशा में जाने के लिए वो एक शतवली नाम के वानर को जो है कहते हैं कि तुम जो है उत्तर दिशा की तरफ जाओ और वहाँ तुम्हें सूना आकाश दिखाई देगा, वहाँ तुम्हें सूना आकाश दिखाई देगा, और उन सूने आकाश में जो है कंदराओं में वहाँ गंधर्व किन्नर जो है ये लोग रहते हैं। तो सूना आकाश से आप क्या समझ रहे हैं? तो मैं जो समझ पाया हूँ, देखिए आप मेरी बात से सहमत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि सूना आकाश से उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि ऐसा एक स्थान जहाँ पे बादलों का जमावड़ा नहीं है, तो वो ट्रांस हिमालयन बेल्ट भी तो हो सकता है, जैसे अभी का जो है हमारा स्पीति है, लाहौल है, और जो लेह लद्दाख का जो पोर्शन है या पश्चिमी तिब्बत का जो पोर्शन है, इस तरह का जो एरिया है वो हो सकता है जहाँ पे बादल नहीं होते, बादल जो है नाम मात्र होता है, तो वहाँ पे किन्नर रहते हैं। ये आपके रामायण का जो है ये किष्किंधा कांड का ये एक श्लोक जो है ये मिलता है हमें, जब सुग्रीव शतवली को ये बात कहता है। उसके बाद आप महाभारत में आइए, महाभारत में किन्नरों के बारे में बहुत लिखा गया है, किन्नरों के बारे में बहुत जानकारी मिलता है, भीम ने भी उसके बारे में कहा है, और
युधिष्ठर के दरबार में किन्नर हैं ये भी कहा है, और ये भी बताया गया है कि कुबेर की सभा में जो है किन्नर रहते हैं ये भी कहा गया है। उसके बाद आप फिर एक और बहुत दिग्विजय पर्व का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसमें अर्जुन जो है वो उत्तर दिशा में विजय अभियान पर निकलते हैं। तो दिग्विजय पर्व में अर्जुन का जो है किन्नरों के देश में जाना प्रमाण मिलता है कि भाई अर्जुन जो है किन्नरों के देश में गए और वहाँ जो है उसके राजा ध्रुव को पराजित करके वो धौलगिरि जो पर्वत श्रृंखला है उसको लांग करके आगे बढ़े मानसरोवर की तरफ। तो जब ये बात आती है कि मानसरोवर की तरफ वो बढ़े तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इसी हिमालय बेल्ट की बात कर रहा है। देखिए महाभारत बेशक दुनिया का सबसे बड़ा एक काव्य संग्रह है लेकिन इसमें इतिहास की बहुत सारी बातें हैं, इतिहास के प्रामाणिक बातें हैं जिसको इतिहासविद भी सही मानते हैं। तो ये जानकारी हमको महाभारत में मिलता है, अर्जुन के द्वारा किन्नरों के राजा ध्रुव को पराजित करके उसे जीतना या फिर आगे बढ़ जाना। अब उसके बाद जो एक चर्चा आता है जो सन 2005-06 में भी उठी बात कि हिमाचल में उसका विरोध भी हुआ कि किन्नरों को जो है अर्धनारियों से जोड़ा गया। अभी मैं आपको कुछ ऐसे साहित्य यहाँ दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये मेरे हाथ में कुछ साहित्य हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं ये मेरे हाथ में। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल जो है अर्धनारियों के बारे में हैं, उनके जीवन के बारे में है, उनके सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में है। अच्छे लेखकों ने, प्रबुद्ध लेखकों ने लिखा है लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि इन्होंने फिर यहाँ पे किन्नर शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है। एक आर्टिकल तो मेरे पास ऐसा मिला जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कोई मिस्टर कपिल कुमार गौतम जी हैं और ये रिसर्चर हैं हिंदी विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के। इन्होंने एक लेख लिखा है, एक शोध धारा करके एक कोई पत्रिका निकलती है, काफ़ी फेमस पत्रिका है ये, आप में से कुछ लोग शायद इससे परिचित भी होंगे। तो शोध धारा करके आर्टिकल जो पत्रिका है उसमें इन्होंने लिखा है किन्नरों के बारे में। इनका टाइटल है भारतीय साहित्य के संदर्भ में किन्नरों का इतिहास एवं मिथक की अवधारणा। अब ये किन्नरों का इतिहास एवं मिथक की अवधारणा, किन्नरों का इतिहास से मतलब आप ये मत समझें कि ये जो है हमारे किन्नौर के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ में एक लिखा है, देखिए क्या बात लिख रहे हैं ये। इनको पता है कि राहुल सांस्कृत्यान जी ने किन्नर देश में किताब लिखा है जो कि हिमाचल प्रदेश में एक ज़िले का नाम है किन्नौर, वहाँ के लोगों को किन्नर कहा जाता है, ये इनको पता है। ये यहाँ लिख भी रहे हैं कि किन्नर शब्द आधुनिक किन्नौर क्षेत्र में प्राचीन काल से निवास करने वाली जनजाति विशेष के लिए प्रयोग होता आया है, ये लिख भी रहे हैं। और यहाँ पे इसको ये है संदर्भ के लिए राहुल जी को कोट कर रहे हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो यहाँ से आगे जो साहित्य शुरू कर रहे हैं वो किन्नर समुदाय जिनको ये मानते हैं किन्नर कहते हैं अर्धनारियों के लिए, वो उनके जीवनी पर ये या उनके इतिहास पर ये आगे ले जा रहे हैं। तो इस पर भी मुझे आपत्ति है क्योंकि देखिए जब आप किन्नौर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको किन्नौर के लोगों के बारे में या किन्नर के बारे में यहाँ इस तरह का मिला जुला कर जो है कहीं और जोड़ देना जो है ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सपना जी, आप बहुत अच्छी बात लिख रही हैं कि इस शब्द की वजह से बहुत से शोधार्थियों द्वारा हमारा संबंध अन्य समुदायों से भी जोड़ा जाता रहा है, साहित्य में लगातार इस शब्द का प्रयोग अन्य समुदायों होता है। बिल्कुल सपना जी, मैं उसी बात को आज जो मेरा ये चर्चा का विषय ये इसी विषय के ऊपर है और मैं ये आपको अपने अंतिम जो चर्चा है उसमें ये सिद्ध करूँगा कि किन्नर जो शब्द है वो अर्धनारियों के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, ये प्रमाण है। इसलिए आप ये संशय में ना रहिए कि किन्नर जो है वो अन्य समुदायों के लिए बताया गया शब्द है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किन्नर जो है हिमालय की पौराणिक जाति का नाम है जो हिमालय में, ज़रूरी नहीं है कि शायद आज वो अपना मूल अस्तित्व खो चुके हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं हिमालय में निवास करते थे और इनका जो है कई पौराणिक साहित्यों में नाम आना, इनके बारे में बताना ये कोई ऐसी मिथ्या बात नहीं हो सकता है। देखिए महाभारत में जो है इनको कुबेर की सभा में एक शोभायमान करेक्टर के रूप में दिखाया गया है, लिखा है कि किन्नर नामा गंधर्व नरा नाम परे।
तो इस तरह से बहुत से जो हम रचनाएं देखते हैं, पौराणिक रचनाएं देखते हैं, तो उनमें किन्नरों के बारे में लिखा गया है। आपका प्रश्न जो है, आपका जो संशय है सपना जी, बहुत वाजिब है जी। और तो ये सब संशय जो है बनता रहा है। और 2005-06 में हमने हमने खुद कुछ हिमाचल के लेखकों के साथ मिल करके, उसमें हमारे हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार श्री एस आर हरनोट जी का सहयोग बहुत मिला। हमने विरोध किया और वो उस समय कोई एक फिल्म आई थी, कोई मधु भंडारकर नाम के कोई निर्देशक डायरेक्टर थे, उनकी बनाई फिल्म आई थी जिसमें इस शब्द का प्रयोग जो है अन्य समुदाय के लिए किया गया था और उसका भारी विरोध हुआ था। आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो हम उस मुहिम में हम भी शामिल थे और तत्कालीन सरकार ने उस फिल्म को जो है हिमाचल में प्रदर्शन, उस फिल्म को दिखाए जाने पे बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। बहुत बहुत इस पे आपत्ति दर्ज हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम किन्नौर के लोग आगे नहीं आए, हम किन्नौर के लोग आगे नहीं आ पाए। थोड़े टाइम के लिए हम आगे आए लेकिन उसके बाद ये मुहिम थोड़ा और आगे चलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ सका। अब प्रश्न उठता है कि क्या किन्नर शब्द का अभिप्राय अर्धनारी से है, जो सपना जी ने अभी किया। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में भी ये संशय होगा कि यार कहीं पे ये तो नहीं कि भाई किन्नर का जो अर्थ है वो अर्धनारियों से है। नहीं, जो अभी तक जो भी प्रमाण हमें मिले हैं, जो मुझे मिला है, उसके अनुसार जो है इस बात का कहीं पे भी प्रमाण नहीं मिल रहा है कि ये जो है अर्धनारियों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। इसका सबसे पहला प्रमाण मैं आपको देता हूँ। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उस पर आते हैं। सबसे पहला प्रमाण है रामायण का किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव शतबली नामक बानर को उत्तर दिशा में जाके सीता को खोजने के लिए कहता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि गंधर्व किन्नरा सिद्धा नागा विद्याधरस्तथा रमंते सही तास्तत्र नारी नारी वीरगास कर्पवा। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने संस्कृत कहीं पढ़ाई नहीं बहुत ज़्यादा, तो ये लिख रहे हैं कि इसका मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ कि वहाँ पर सूर्य के प्रभाव वाले गंधर्व, सूर्य सी प्रभाव वाले गंधर्व किन्नर सिद्ध नाग विद्याधर अपनी स्त्रियों के साथ लिए हुए विहार कर रहे होंगे, अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे होंगे। कौन? किन्नर गंधर्व सिद्ध नाग। तो इससे आपका क्या क्या आप समझते हैं? ठीक है, इसका अर्थ ये है कि वो पुरुष और स्त्री में रहते थे और वो विहार करते थे। यहाँ एक चीज़ ये क्लियर हो गया, रामायण ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गंधर्व किन्नर सिद्ध नाग और विद्याधर अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते हैं। ठीक है, ये रामायण का किष्किंधा कांड सुग्रीव के मुंह से ये कहलवा गया है। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है महाभारत में, महाभारत में अर्जुन और उर्वशी के बीच का संवाद। मैं इस पर थोड़ा सा बहुत बारीकी से बोलना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे लेखकों ने, कई सारे लेखकों ने जो है इस महाभारत के इस घटना को या महाभारत के अर्जुन उर्वशी के इस संवाद को आधार बना करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किन्नर जो है अन्य समुदाय या अर्धनारियों को कहा जाता है या कहा जाता था। कुछ ऐसे जो मेरे पास ये लेख है उससे इसको पढ़ के यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए उसमें क्या है कि महाभारत वन पर्व चैप्टर 46 में अर्जुन और उर्वशी के बीच में संवाद आता है। उर्वशी अर्जुन के ऊपर मोहित हो जाती है और मोहित होने के बाद जो है वो कामुकता के भाव से जो है अर्जुन के पास चली जाती है और अर्जुन उसके जो इच्छा है उसको नकार देता है। उसको ये कहता है कि भाई आप तो मेरी मातृकुल की हो, उसको वो नकार देता है। तो देखिए इसमें बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, श्लोक तो काफ़ी लंबा है लेकिन इसका जो एक सारांश मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रही है कि उर्वशी अर्जुन से कह रही है कि मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से काम के वश में होकर आप ही तुम्हारे घर आई थी, आप ही तुम्हारे घर आई थी। जी हाँ जी, तो आप ही तुम्हारे घर कुछ
क्रोधित होकर के, उर्वशी जो है क्रोधित होकर के अर्जुन को कह रही है कि आप, मैं अपने आप ही तुम्हारे पास आई और मेरी जो इच्छा थी वो जो है तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, या जो भी है, जो भी उसके मन में था। तो हुआ क्या कि उससे क्रोधित होकर फिर उर्वशी जो है अर्जुन को श्राप देती है कि तुम जो है अर्धनारी बनकर अपना जीवन यापन करोगे। अब प्रश्न उठता है कि जब उर्वशी के मुख से अर्धनारी बनने का जो है अर्जुन को श्राप दिया गया है, तो क्या उस समय उस संवाद में कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। जब वो इस तरह से कह रही है तो वो उसका अनुवाद जो है महाभारत में ऐसे किया है कि इस वास्ते तुमको मैं श्राप देती हूँ, उर्वशी कह रही है अर्जुन से, इस वास्ते मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम स्त्रियों के बीच में मान से रहित होकर नपुंसक के समान नाचने वाले बनोगे और सब लोग ये कहेंगे कि ये पुरुष नहीं है। ये महाभारत का कोड है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी, ये श्लोक जब आप पूरा पढ़ते हो उर्वशी और अर्जुन के संवाद का, इसमें कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है ये आप सभी जानते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर आता है, उसके बाद अर्जुन को वनवास के टाइम पे बहुत कुछ समय के लिए जो है अर्धनारी के रूप में रहना पड़ा था, जिसका नाम था ब्रिहनला। ब्रिहनला तो ब्रिहनला बन करके वो एक राजा के दरबार में जो है काफ़ी टाइम तक रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त जब वो अपना परिचय, जब वो पूछते हैं, राजा उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उस वक्त अर्जुन जो अपना परिचय देता है तो उसमें भी कहीं पे भी ये नहीं, वो नहीं कहता कि मैं एक किन्नर हूं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे जिस कर्म से अर्धनारी का रूप मिला है उसके कहने का आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसको सुनाने से मेरा अंतःकरण पर चोट लगेगी। हे राजन, मेरा नाम ब्रिहनला है और मुझे माता पिताहीन पुत्र या पुत्री जानिए। इसमें भी अर्जुन के मुंह से कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ब्रिहनला मा नरदेवम विद्धि सूतम सुताम वा पितृ मात्र मर्जिताम, इसमें कहीं पे भी अर्जुन के मुख से किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि ये धारणा बना लेना कि जो पौराणिक हिमालय जाति है किन्नर, उनको किसी दूसरे समुदाय से जोड़ करके देखना, मेरे हिसाब से, आप में से बहुत से लोग भी शायद मेरे इस मत से सहमत होंगे, ये गलत है। अभी बहुत सा शोध इस पर मैं खुद भी कर रहा हूँ और आप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग भी इस पर शोध करेंगे या कर रहे होंगे, तो ये गलत है। तो सही क्या है, इस बात का प्रमाण नहीं मिल रहा है कि किन्नर जो शब्द है वो अन्य समुदायों के लिए कहा गया है। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं, रामायण में जब हम देख रहे हैं, महाभारत में जब हम देख रहे हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो किन्नर है वो एक पौराणिक जाति है। एक पुस्तक है अरुण, एक राइटर है, उनके द्वारा लिखा हुआ, तो उन्होंने तो अपनी किताब में ये तक लिखा। जी सॉरी, क्षमा चाहूँगा, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो उन्होंने तो अपनी किताब में ये तक लिखा है कि किन्नरों के जो है हिमालय क्षेत्र में जो है 100 पुर थे, ठीक है, यानी कि वो एक हिमालय के बड़े भाग में शासन भी कर रहे थे और पर्वतों के निवासी थे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लेखकों ने किन्नरों को जो है किरात से भी जोड़ा है, किम पुरुष से भी जोड़ा है। इस पर भी बहुत, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पर भी मैं जब स्पष्टीकरण अपनी पुस्तक में रखूंगा तो आपको ये बहुत बिल्कुल सामने हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि असल में जो है प्रमाण क्या कहता है। इसके बाद अर्जुन का ब्रिहनला रूप में, अर्धनारी के रूप में जो है एक राजा के दरबार में रहना, इसमें भी कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता चुका। और अर्जुन के मुंह से भी ये नहीं कहा गया कि भाई मैं किन्नर हूँ, या मैं जो है किन्नर हूँ और मैं फलां हूँ फलां, इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, नहीं लिखा गया है। उसके बाद आता है भीष्म और शिखंडी के मध्य वार्तालाप। तो शिखंडी को भी महाभारत में जो है अर्धनारी के रूप में दिखाया गया है, और युद्ध स्थल पे महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह जो है घायल थे, उनके चार, उनको तीर पूरे शरीर में, उनके तीर चुभे हुए थे, तो सामने शिखंडी को वो खड़ा पाते हैं,
और जब वो शिखंडी को खड़ा पाते हैं तो वो अपने आप को असहाय पाते हैं। भीष्म पर्व में ये बहुत अच्छे से इस बारे में लिखा गया है। तो वो खड़ा पाते हैं, वो देखते हैं कि भाई शिखंडी जो है वो सामने खड़ी है, और वो शिखंडी से कहते हैं कि भाई तू चाहे तो मुझे वार कर, मुझ पर प्रहार कर ले, लेकिन मैं तुझ पर प्रहार नहीं करूँगा। ये महाभारत में लिखा गया है, ठीक है। ये है अध्याय 108 भीष्म पर्व श्लोक 42 और 43, इसमें ये लिखा गया है। तो इसमें भी कहीं पे भी भीष्म के मुंह से शिखंडी के लिए किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे ये बात सिद्ध होता है कि पर्टिकुलर किसी एक रेस के लिए या अर्धनारी के लिए जो है किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये इस धारणा को हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, और ये मुझे लगता है कि ये स्वीकारना चाहिए कि किन्नर जो है एक पौराणिक हिमालय वासियों का नाम है, और जिनके अनुवंशज या जिनका जो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा या उनके जो अनुवंशज होंगे या उनका जो एरिया होगा उसका छोटा सा जो भाग शेष रहा होगा वो आज का किन्नौर हो। अभी इस पर शोध जारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस पर भी हम पर्दा उठा करके जो है आपके सामने ले आएँ। तो ये जो अभी तक जो मेरा शोध है, जो मैं अभी तक जो फाइंडिंग्स मैंने किया है, वो ये निकल करके सामने आता है। तो हाँ सपना जी, जन्य समुदायों के लोगों से जब मेरी इस शब्द को लेकर बात हुई तो उनका कहना था कि ये खुद मीडिया द्वारा उन्हें दिया गया है, वो खुद भी इस शब्द का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सपना जी, मैं बहुत अच्छी आपने बात लिखी है और बिल्कुल ये बात सही है। तो इसीलिए हम किन्नौर के लोगों को या किन्नौर वासियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो किन्नौर है, वो प्राचीन जो किन्नर हैं उनका स्थली रहा होगा। देखिए अभी मैं इसको है नहीं कहूँगा, होगा, ये तो बाद में जब शोध पूरा होगा उसके बाद ही हम ये बात इस बात या इस नतीजे पर पहुँच पाएंगे। तो ये प्रमाण जब हमारे पास हैं तो हम इस संशय में क्यों रहें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कहीं हमें इस तरह का वो कुछ इस तरह का मिलता है कि अन्य समुदायों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है तो हमें अपने लेवल पे या सामूहिक तौर पे विरोध करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो अब जो इतिहास के जो बहुत सारी कड़ियाँ जो निकल के आएंगी, तो वो राहुल सांस्कृत्यान जी ने जो कहा है किन्नौर को किन्नर देश, उससे सामने निकल के आ रही हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है और मेरे विचार से आप में से सभी लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं इस बात को मानेंगे शायद कि राहुल जी ने किन्नौर को किन्नर देश गलत नहीं कहा, वो अपने आप में सही थे क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे और उनको बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का बहुत, दर्शन का बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। ये बात अलग है कि उस पर वो जो किताब किन्नौर को लेकर के हमारे पास है आज, वो एक ट्रेवलॉग है, एक यात्रा वृतांत है। तो अगर वो इतिहास पे लिखते तो शायद, किन्नौर के इतिहास पे लिखते तो शायद ये चीज़ भी वो सामने ले आते। पर अब हमारा दायित्व है कि हम इस चीज़ को सामने ले आएँ। और मैंने आपको अभी बताया कि किन्नर जो है प्राचीन हिमालय जाति का नाम है और इनका संबंध जो है कुबेर से भी रहा बताया गया है, और इनका संबंध जो है अन्य गंधर्व नाग जैसे पौराणिक जातियों से भी रहा बताया गया है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जोड़ना मैं चाहूँगा, वो ये कि इन्हें कई जगहों पर जो है वीणा वादक के रूप में भी बताया है। अब वीणा वादक के रूप में बताया है, ये बहुत अच्छे कुशल संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे गीत और संगीत में इनकी रुचि थी। तो ऐसे ये कोई रुचि रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितने भी शास्त्रों ने किन्नरों को लेकर के अलग अलग लिखा है उनका जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो इस बात पर पहुंचते हैं कि ये एक पौराणिक जाति है और पौराणिक जाति रही है हिमालय में। जी मुकेश जी, किन्नौर का नाम समय अनुसार बदलते आगे बढ़कर निकला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आप सही कह रहे हैं। और बल्कि मैं तो इस पेज के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि शायद आप सहमत हों या ना हों, मगर अगर किन्नौर का नाम जो है किन्नर देश, जिला किन्नर देश होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए ये भी अगर मुनासिब नहीं हुआ तो कम से कम जो चौरा जहाँ से हमारा जो किन्नौर का सीमा है वो शुरू होता है, वहाँ पे जो हमने स्वागत के लिए जो एक बोर्ड लगा रखा है वहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि किन्नर देश में आपका स्वागत है।
जो हम चौरा में हैं जहाँ हम शुरू किन्नौर शुरू होता है, तो वहाँ पे ये लिखा जा सकता है। तो उसके लिखने का भी इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बाहर से जो लोग आएंगे वो बहुत अचरज में पड़ जाएंगे कि भाई अच्छा ये है किन्नर देश, और जिस चीज़ को लेकर के हम असमंजस में हैं वो बहुत हद तक जो है अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर वहाँ ये लिख दिया जाए कि किन्नर देश में आपका स्वागत है, तो मेरे हिसाब से प्रशासन को और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और हम भी बीइंग ए राइटर जो है कोशिश करेंगे कि प्रशासन की नज़र में ये बात लाएं कि भाई इस तरह से वहाँ पे ये लिखा जाए कि किन्नर देश में आपका स्वागत है। हाँ, ये कोई ओशो बाबा जी है हमारे मित्र। तो किन्नौर का बर्थ नाम क्या है, किन्नौर का बर्थ नाम क्या है? देखिए ओशो जी, किन्नौर का बर्थ नाम को समझने के लिए आपको पहले किन्नौर के इतिहास को बहुत अच्छे से जानना होगा, क्योंकि किन्नौर का जो इतिहास है वो आज के किन्नौर की तरह नहीं रहा है। किन्नौर का इतिहास जो है वो डिफरेंट वे में चला है। 10th सेंचुरी में वो वेस्टर्न जो तिब्बत है उसमें रहा, उससे पहले भी वो अलग अलग उसमें रहा, फिर अलग अलग। किन्नौर का इतिहास बहुत वास्ट है। मेरी जो किताब आएगी उसमें आपको ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो किन्नौर का जो मूल नाम है, अब देखिए आप जो स्पीति और लाहौल के लोग हैं, हमको किन्नौरों को कुछ और नाम से जानते हैं, तिब्बत के लोग किन्नौरों को कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इस पर अभी शोध चल रहा है और कुछ लेखकों ने लिखा भी है, लेकिन सारांश पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, एक बात ये है कि मैं जब अपने किन्नौर के इतिहास पे लिख रहा था तो उस वक्त मुझे भी ये थोड़ा सा डाउट हुआ था कि यार ये जो किन्नौर वर्ड है, ये किन्नौर वर्ड कौन सी भाषा या कौन सी बोली का हो सकता है। तो फिर बीच में मैं थोड़ा सा अपने शोध कार्य से थोड़ा भटक गया, तो मैंने इसका अर्थ जो है वो इस तरह से लिया कि भाई कनारो ऊरंग, कनौरिंग, कनारो ऊरंग मतलब कान कान पर फूल के उसमें पर। ये सिर्फ मेरा एक थोड़ा सा एक वो था, संशय था, एक डाउट था कि यार क्या ये हो सकता है, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से अपना स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं कर पाया कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जवाब ओशो जी आपको ज़रूर मिलेगा। तो हाँ मुकेश जी, राजपत्रित नाम किन्नौर है, बिल्कुल। देखिए अंग्रेज़ों ने किन्नौर नहीं लिखा, अंग्रेज़ों ने कन्नौर लिखा, कुनावर लिखा। तो अंग्रेज़ों को तो आपको पता ही है कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती थी, तो वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली उस तरह से नहीं कर पाते थे जी। ये कोई जनाब आपसे सवाल है, अगर हम किन्नौर के लोग हिंदू में आते हैं तो हमारा यश भाषा कल्चर हिंदू से डिफरेंट है, आपको इसका पूरा डिटेल में बताएं जनाब। देखिए सबसे पहले ये आरपी नेगी जी लिख रहे हैं कि जनाब आपसे सवाल है, अगर हम किन्नौर के लोग हिंदू में आते हैं तो हमारे वश क्या है, वेशभूषा कल्चर हिंदू से डिफरेंट है, आप इसका पूरा। बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा, इसके लिए आपको लिटरेचर और इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना होगा कि वो आर ट्राइबल्स, ठीक है, जनजातीय कौन है, ठीक। और शुरू में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं कि प्रारंभ में जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो जनजातीय लोग थे, इनको एथनिक ग्रुप माना गया था। एथनिक मतलब जो हर एक वस्तु में जो है ईश्वर को स्वीकारते थे, ठीक है। तो किन्नौर का जो कल्चर है वो प्रिमिटिव कल्चर है, मूल कल्चर है, इसको हमें बिल्कुल हिंदू कल्चर से नहीं जोड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, वेशभूषा है, बिल्कुल डिफरेंट है, पौराणिक है और प्रिमिटिव है। तो इसके लिए मैं आपको अभी अगर इस पर चर्चा करेंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये भी जो आपने मुझे सवाल किया आरपी जी, ये मेरे जहन में भी था। तो एथनिक ग्रुप माना जाता था, तो बाद में जो है इसको फिर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ फिर इसको अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में लाया गया, लेकिन स्टार्टिंग में एथनिक ग्रुप। हाँ, मैं पर्सनली निजी तौर पे ये मानता हूँ कि जो किन्नौर के जो लोग हैं उनको मेरे विचार से जो है अगर हिंदू ना कहें और सिर्फ किन्नौरा कहें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है बहुत पौराणिक कल्चर को जो है फॉलो करते हैं, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आप इसमें और थोड़ा सा डीप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाएं और जो ब्रिटिश भारत काल का जो है जो प्रोविजन्स है उसको भी पढ़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगा जी। बीइंग ओशो बाबा जी लिख रहे हैं कि बीइंग ए राइट फाइंड आपका
कोई बुक है जिसमें किन्नौर को हिस्ट्री मिला भी है कि नहीं? ओशो जी, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ कि मेरी जो किताब है लगभग 2 साल कम से कम इसको लगेंगे, 2 या 2.5 साल कम से कम मुझे दीजिए। उसके बाद मेरा पूरा प्रयास है कि वो जो किताब आपके सामने आएगी तो वो किन्नौर का इतिहास क्रमवार और प्रमाण के साथ, उसमें कोई मिथ्यावाद नहीं होगी, प्रमाण के साथ जो है किन्नौर का इतिहास आपके सामने होगा। और जो भी संशय किसी के भी मन में होगा किन्नौर को लेकर के, मैं समझता हूँ कि उसे मैं कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना ख्याल होता है, सोचने का अपना नज़रिया होता है। जी अर्जुन जी कह रहे हैं कि महोदय जी नमस्कार, आपने बहुत बारीक अवलोकन किया, आपको धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन जी, आपका तो हमेशा साथ रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल अर्जुन जी, आप जो लिख रहे हैं कि किन्नर शब्द का प्रयोग अर्धनारियों के लिए करना कदाचित उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा जो आज का विषय था वो इसी पर ही था। मैंने आपको प्रमाण भी बताया अर्जुन जी कि कहीं पे भी हमको ये प्रमाण नहीं मिलता है कि शास्त्रों में भी कि किन्नर जो है अर्धनारियों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। मैंने रामायण का, महाभारत का आपको प्रमाण दिया जी। तो अभी ये तो बहुत संक्षिप्त चर्चा है हमारा, और हम कोशिश करेंगे कि MCN पेज के माध्यम से खासकर जो किन्नौर का इतिहास है उसको सामने लाने का प्रयास करें। और इसलिए कि भाई, नहीं तो क्या हुआ है कि किन्नौर पर जो है बाहर के लेखकों ने रचनाएं बहुत लिखी हैं, किन्नौर के लेखक बहुत कम रहे हैं, तो बाहर के लेखकों ने लिखी हैं, तो उन्होंने फिर जो सुना या जो पहले किताबों में कही गई है उन्हीं बातों को लिखा। एक प्रामाणिक जो इतिहास है वो किन्नौर का नहीं आया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो इतिहास को जानने के जुझारू हैं, कल्चर को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के लिए रुचि रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको अपनी बात रखना चाहिए, और बहुत बारीकी से हमें इस बात को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए कि जो किन्नौर का इतिहास है, जो किन्नौर की संस्कृति है, उसकी अपनी एक अलग छवि और अलग महत्व है। तो तब इससे क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो युवा है, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने किन्नौर का जो है एक बहुत सटीक और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि हम लोग जो है अपने इतिहास को, भाषा को और बहुत सारी चीज़ों को जो है खो चुके होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। RP नेगी जी लिख रहे हैं कि सर, मैंने जो कवियों के लेख में पढ़ा है, जैसा हमें देव, गंधर्व, यक्ष आदि के साथ जोड़ा जाता है, तो हम हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये हिंदू रिलीजन को समझने के लिए आपको मैं दोबारा फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा और बारीकी से शोध करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, हिंदू रिलीजन का जो जो भी बिलीव्स हैं वो हमारे किन्नौर में पूरी तरह से फॉलो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिज को ही ले लीजिए। मैरिज हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल, जो हिंदू मैरिज सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारे यहाँ फेरे नहीं होते, हमारे यहाँ अग्नि के सामने फेरे नहीं होते, मंत्रोच्चारण नहीं होता। तो ये हमारा प्रिमिटिव कल्चर है, प्रिमिटिव कल्चर है, और यही हमको ये साबित करता है कि हम जो है पौराणिक काल से जो है अपने मूल संस्कृति और अपने मूल परंपराओं के आसपास रहे हैं, उन्हीं के बीच में हम लोग रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज जो है बाहरी जो संस्कृति है उसका प्रभाव बड़ी तेजी से होता आ रहा है जी। ओशो बाबा जी लिख रहे हैं कि किन्नौर का हेडक्वार्टर का नाम रिकॉन्ग पियो क्यों पड़ा, चीनी क्यों नहीं रखना नाम? ये तो आपने ओशो जी बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, रिकांग पियो तो 96 में जो है बहुत अच्छे से जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि तब तक जो है हेडक्वार्टर कल्पा से जो है नीचे लाने का जो है प्रयास सफल हुआ था। तो चीनी क्यों नहीं रखना नाम, ये भी बात आपका सही है। और चीनी जो है, चीनी तहसील के बारे में आप जानते हैं, बुशहर रियासत की सबसे पहली तहसील किन्नौर में रही है, और चीनी का जो प्राचीन नाम है वो चीने है। तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा चिन्हे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये चिन्हे जो वर्ड है इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक छोटा सा जो है ऐतिहासिक जानकारी मिलता है जो अब तक जुटाए हैं। और चिन्हे वर्ड किन्नौरी में चिन्ह, हम लोग जो स्टैंडर्ड किन्नौरी है जिसको हम हमसकत बोलते हैं, उसमें चिन्ह का अर्थ नाखून होता है, ये आप हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं इसे चिन्हे वर्ड को कोरिलेट नहीं करता नाखून के साथ भी। तो चिने का जो है अपना एक शाब्दिक अर्थ है, और हमारा जो इस साल के आखिर तक एक कल्पा के ऊपर जो है एक किताब आ रही है, उसमें ओशो जी आपको ये पूरा जो जानकारी है वो पूरा मिलेगा कि भाई चिने का जो नाम चिने है और चिने से ये क्यों इसका नाम जो है चिने पड़ा है।
ठीक है, तो ये जानकारी आपको उस किताब में इस साल के आखिर में जनवरी या दिसंबर तक, मानिए दिसंबर या जनवरी में वो हम प्रकाशित करेंगे, इसका ये हमें उम्मीद है। तो उसमें आपको ये चीनी के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है जी रंजना नेगी, हेडक्वार्टर का नाम तो इसलिए रिकांगपियो पड़ा क्योंकि मैक्सिमम जगह रिकांगपंग का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, रेखांगपंग का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये भी इसमें दो राय नहीं है। और आपको मैं एक बात बताऊं रंजना नेगी जी, कि हमारे किन्नौर की एक खास बात है कि आप लोकगीतों में भी देखिए कि किन्नौर के लोकगीतों में जो जगह की जो विशेषता है उसको बहुत सुंदर ढंग से बताया जाता है। ठीक है, जैसे रोशमोल्यो चीने है, ठीक है, बायुलो मेबर है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है किसी भी जगह के लिए जो है बताया जाता है कि भाई उसके फीचर्स को सामने लाया जाता है। संजय सिंगानिया, मामा जी आई थिंक किन्नौर वर्ड की वजह से किन्नौरों का नाम किन्नौर पड़ा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये किन्नर के वजह से ही, किन्नर जो शब्द है इनके वजह से ही किन्नौरों का जो किन्नौर का जो नाम है वो किन्नौर पड़ा है। ये बिल्कुल आप सही जा रहे हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में भी आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने भी कुछ किताबें किन्नौर पर लिखी हैं, तो उसमें भी वो कन्नौर या कुनौर तो उन्होंने भी प्रोनाउंस किया है, क्योंकि हिंदी उनको शायद हिंदी में वो प्रॉपर नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, तो उन्होंने कन्नौर या कुनौर तो लिखा ही लिखा है। हाँ, राहुल सांस्कृत्यान जी ने फिर इसको प्रॉपर तरीके से किन्नर देश कह दिया जी। या अगर आप में से किसी का और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जिया नेगी जी, रोशमोल्यो चीने, स्वागत है जी आपका। रोशमोल्यो चीने का अर्थ है जी रेशम की चादर की तरह प्लेन। जो रोशमोल्यो चीने का अर्थ है रेशम की चादर की तरह प्लेन। जियालाल जी, आप राहुल जी की किताब है किन्नर देश ना, उसमें पढ़िए, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कल्पा का जो ज्योग्राफिकल फीचर है उसको लिखा है, आप बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। हाँ जी, ये आप पीने की लिख रहे हैं कि मैंने सुना जब पीओ में पोस्ट ऑफिस खुला था तो रिकांगपंग के घर में था, इसलिए शायद रिकांगपियो रखा गया है। हाँ ये भी हो सकता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है आरती जी, लेकिन इतना बात सही है कि वो रेखांगपंग जो बरेलिंगी में हमारे एक परिवार खानदान विशेष का नाम है, वो उन्हीं के खानदान के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है ऐसा बताया जाता है, और ये सही भी मुझे लगता है जी। ये कृष्ण नेगी जी, जी किन्नौरी पीपल आर कंसीडर एज सेमी गॉड्स। देखिए सेमी गॉड्स कृष्ण नेगी जी, ये आप बात बहुत किन्नौरी पीपल आर कंसीडर एज सेमी गॉड, बिल्कुल। देखिए राहुल जी ने तो ये लिखा है कि किन्नौरों के देश में जाने का मतलब है देवलोक में जाना, तो देवता कौन है असुर कौन है इसको अगर आपने समझना है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मत्स्य पुराण को बहुत अच्छे से पढ़िए। मत्स्य पुराण को इतिहास विदों ने भी हिस्टोरिकल माना है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देवता का मतलब वो भी नहीं है, अगर इतिहास की नज़र में देखें तो देवता मतलब देव, देव जो है एक देव से ही देवता बना है, और देव शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो देवता के रूप में कंसीडर होने लगा, एक ऐसा इनविजिबल पावर के रूप में कंसीडर होने लगा। दयानंद सरस्वती जी की एक किताब है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, तो देवता तुल्य ही माना है किन्नौर के लोगों को राहुल सांस्कृत्यान जी ने जी। ओशो बाबा जी लिख रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकारों को पॉलिसी है उससे तो ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं कि किन्नौर का नाम हाइड्रो प्रोजेक्ट एरिया रखा जाएगा। नहीं, ओशो जी हमें ऐसा नहीं करना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर किन्नौर का नामकरण हो ये बिल्कुल नहीं होने देना है, बल्कि जो हमारा नाम है किन्नौर बहुत अच्छा नाम है, किन्नर देश भी अच्छा नाम है, और हमें इन दोनों ही नाम पर गर्व करना चाहिए। किन्नर देश तो मैं कहूँगा कि एक हिस्टोरिकल नेम है, इससे किन्नौर की जो एक पौराणिक आइडेंटिटी है उसका पता चलता है। जी
और इस पर हमें खुद को भी जागरूक होना होगा, और हमारे जो युवा पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहे हैं लोग, उनको भी ये बताना होगा, या कभी उनसे भी आप डायलॉग कीजिए कि हमारे किन्नौर का जो इतिहास है, हमारा किन्नौर की जो अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन इसको इस खूबसूरती को तभी हम दिखा पाएंगे या तभी हम संजो सकेंगे जब हम अच्छे से खुद इस पर मंथन करेंगे, अच्छे से इस पर जानकारी जो है अपने पास जुटाएंगे। रंजना नेगी जी लिख रहे हैं कि मैंने तो सुना है सर कि ITBP और एकंगपंग के मुखिया दोनों का सुझाव था। हाँ, हो सकता है, ये भी मैंने भी ऐसे सुना है रंजना जी। अब ये बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। किन्नौर में शायद काफ़ी कास्ट के लोग बाहर से ही आए हैं, कि आप किन्नौर के प्रॉपर कास्ट कौन से हैं जो पौराणिक हैं और वहीं साथे हैं। RP जी, आपने जो क्वेश्चन किया है इस पर मेरी किताब में पूरा डिटेल में आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बहुत जो यहाँ के जो प्रिमिटिव कास्ट्स हैं, जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, वो कौन कौन थे और कैसे उन्होंने यहाँ पे माइग्रेट किया है, उस पर मैंने पूरा फोकस किया है। उस पर आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी, बहुत डिटेल में। और एक चीज़ लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि किन्नौर में अभी भी जो प्रिमिटिव जो कास्ट हैं वो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है बहुत बाद में आए। प्रिमिटिव जो कास्ट हैं वो अभी भी हैं, और उस किताब में बहुत शोधात्मक तरीके से जो है मैंने इस बात को सामने लाने का प्रयास किया है। तो आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें तो आपका ये जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि उसका उत्तर उसमें मिल पाएगा। आजकल सरकार काम तो कर रही है, नहीं है नाम बदलने के तो काम बताते रहने। बिल्कुल बिल्कुल, किन्नर देश में तो लिखा है किन्नौर में सब बुस्की के लेकर आए थे, से ऐसा है क्या किन्नर देश में? नहीं, रंजना जी लिख रहे हैं आप, किन्नर देश में तो लिखा है किन्नौर में सब ब्रुस्की लेकर आए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रुस्की जो है जर्मन पादरी थे, मोरबियन मिशन उस समय एक मिशन चला था, तो उसके वो जर्मन पादरी थे, और वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो उनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो कल्पा आकर के कल्पा में जो है तत्कालीन जो राजा बुशहर थे उनके सहयोग से उन्होंने थोड़ा सा एक जगह लिया था कल्पा में ही, और वहाँ पे एक मकान भी बनाया और थोड़ा सा बागीचा भी बनाया, वो वहाँ रहे थे। लेकिन वो एक समाज सुधारक थे, वो किसी को लेकर के नहीं आए, तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा हैंडलूम के ऊपर भी काम किया, उन्होंने जो है वहाँ पे स्कूल पर भी काम किया, लोगों को पढ़ाने के लिए भी काम किया, उन्होंने काफ़ी सालें उन्होंने वहाँ गुजारी थी ब्रुस्की ने। और बाद में वो वहाँ पे उसको छोड़ करके वो सारे जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसको किसी दूसरे पादरी को, पीटर नाम के एक और पादरी को दे करके वो वहाँ से चले गए थे। फिर बाद में वो राजा बुशहर के पास आया था, और मुझे भी याद है कि वहाँ जहाँ पे उसका मकान था, तो वो सेब के जो हॉलैंड से ला करके उसने सेब लगा रखा था ब्रुस्की ने, और वो सेब के पौधे जो है बहुत बाद तक जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कल्पा में होता था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर सेब के पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे सेब लाल रंग के, बड़े मीठे होते थे, तो हम भी खाते थे। तो ब्रुस्की किसी को लेकर के बाहर से आए हैं, ये बात सही नहीं है। अच्छा, नमस्ते सर जी, नागार्जुन की कविता बादल को गिरते देखा मैंने, मानसरोवर की बात करते हैं, किन्नर किन्नरियों का उल्लेख थे, उसमें उन्हें नाचने गाने और मदिरा पान करने वाले मस्त वाले बताया गया है। जी, नागार्जुन की कविता में किन्नर किन्नर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कई हमारे पुराणों में जो है किन्नरों के बारे में कहा है कि वो वीणा वादक हैं, संगीतज्ञ हैं, और कुशल नृत्य भी करते हैं, और गाने बजाने में भी उनको बहुत रुचि है। तो ये उल्लेख नागार्जुन ने किया है, तो ये कोई मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं से जो है जो प्राचीन साहित्य है उसमें से ही इन्होंने ये किन्नर किन्नरियों को जो इस तरह से अलंकरण दिया हो सकता है। जी, आप और कुछ लिख रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र नेगी जी, आपने इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारी सिर्फ कोशिश है,
और प्रयास करेंगे कि अभी भी आगे हम जो है इस कोशिश को जारी रखेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम अपने किन्नौर को जानें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास को जानें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो काल के अंधेरे में बहुत तेज़ी से लुप्त होता जा रहा है, और बाहरी जो इतिहास है, बाहरी जो संस्कृति है, बाहरी जो मान्यताएं हैं, उसका जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से हमारे किन्नौर की तरफ आता जा रहा है और आ भी चुका है। जी सिमन, थैंक यू। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे बहुत, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे सुना, और आपसे चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छे सवाल भी हुए, लेकिन सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं है, पर मैं दोबारा भी प्रयास करेंगे हम कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो और हो पाए। राजेंद्र नेगी जी, अपना परिचय दें, मैं अभी जुड़ा हूँ लाइव। अच्छा, अपना परिचय दें, मैं जुड़ा हूँ लाइव। अच्छा राजेंद्र जी, मेरा नाम टाशी नेगी है, और मैं मूलतः कल्पा गांव से का रहने वाला हूँ, और कल्पा गांव का हूँ, और तो पिछले कई सालों से, लगभग 2 दशक से भी मैं लिख रहा हूँ। लेखनी का शौक़ है, खासकर जनजातीय साहित्य किन्नौर पर लिखने का मुझे शौक़ रहा है और लिख रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये जो कार्यक्रम है इसको समापन की ओर ले जाना चाहूँगा, और समापन करने से पहले मैं एक गज़ल, आज का जो परिवेश है कोरोना कर्फ्यू के टाइम पे या कोरोना काल के टाइम पे, हम लोग सभी जो हैं लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, आ जा नहीं रहे हैं, ठीक है, सभी एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक सामूहिक कैदी हो गए हैं। तो उस दृष्टि को, उस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा एक गज़ल लिखा है, तो आप सबकी नज़र इस गज़ल को पेश करूंगा, और इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लूंगा। अच्छा, कृष्णा कृष्ण नेगी जी लिख रहे हैं, रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एजुकेशन टोटली। जी रंजन नेगी जी, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन अभी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, तो आप से कभी अगर दोबारा बातचीत होगी तो हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने गज़ल जो है कोरोना के इस टाइम पे जिस तरह की स्थिति हम झेल रहे हैं उसको लेकर के आपके बीच रखूँगा, कि सन्नाटा बिखरा है इंसानों की बस्ती में, सन्नाटा बिखरा है इंसानों की बस्ती में, ये हमारे गुनाहों का हिसाब तो नहीं। सन्नाटा बिखरा है इंसानों की बस्ती में, ये हमारे गुनाहों का हिसाब तो नहीं। दर्द व गम का मंजर हर तरफ है क्यों, दर्द व गम का मंजर हर तरफ है क्यों, हमारी ही चिंगारी से सुलगी आग तो नहीं, हमारी ही चिंगारी से सुलगी आग तो नहीं। खामोशी जो दिखती है हर दरवाजे पर, खामोशी जो दिखती है हर दरवाजे पर, डर है आने वाला कोई सैलाब तो नहीं, डर है आने वाला कोई सैलाब तो नहीं। जी शेर सिंह जी, दोबारा ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। खामोशी जो दिखती है हर दरवाजे पर, डर है आने वाला कोई सैलाब तो नहीं। लिखी जिसने आसमां छूने की इबारत, लिखी जिसने आसमां छूने की इबारत, जलते हुए पन्नों की ये किताब तो नहीं, जलते हुए पन्नों की ये किताब तो नहीं। आखिर के 2 लाइन है, कोशिश जिंदगी की मौत से दूर जाने की, कोशिश जिंदगी की मौत से दूर जाने की, सच के आईने में बुरा एक ख्वाब तो नहीं, सच के आईने में बुरा एक ख्वाब तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना, सपना जी। बहुत, वैसे तो कहने को बात बहुत बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज समय का भी अभाव है, और आप लोगों ने मुझे सुना और आपने मेरे अपने विचार मुझ तक साझा किए, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। सूरज नेगी जी लिख रहे हैं कि नेगी जी आपसे रूबरू होने का सुअवसर मिला, जो बहुत ही, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि किन्नौर के किसी एक ऐसे ही चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, और प्रयास करेंगे कि अपने किन्नौर को जो है, जो किन्नौर की छवि है, जो किन्नौर का धरोहर है,
उसे सामने लाया जाए, उस पर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।